हेलो गाइस, वेलकम टू कजम मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज से एमसीसी 2022 की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। दैट मींस कि आज से रजिस्ट्रेशन पार्ट जो है फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस, काउंसलिंग की फर्स्ट स्टेप वो स्टार्ट होने जा रही है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू कि जब एमसीसी की फॉर्म पब्लिश होगी, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होनी स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन होनी स्टार्ट होगी, तो हमें किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करनी है। सो किस तरीके से, क्या क्या डिटेल्स आएंगे, कौन कौन से पेजेस आएंगे और उन पेजेस में कौन कौन सी डिटेल्स फिलअप करनी है। बेसिकली ये वीडियो उसी पे बेस्ड है कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करनी है। तो सबसे पहले आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.mcc.nic.in पेज पर जाना है। जैसे ही आप होम पेज पे जाओगे, मेडिकल की जो पीजी काउंसलिंग में जाओगे, तो जो फर्स्ट पेज आएगी वो इस तरीके से आएगी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑनलाइन नीट पीजी मेडिकल काउंसलिंग। इस पेज में आप नीचे देख रहे हो, यहाँ पर नीचे की साइड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की है या फिर जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन्हें इस लिंक पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करना है। सो यहाँ पे दैट्स व्हाई यहाँ पे मेंशन की गई है क्लिक हियर। सो अब जैसे ही आप क्लिक करोगे, वैसे ही एक पेज ओपन होगी जो कि रजिस्ट्रेशन की पेज होगी, जिसका जिस पेज पे ऊपर हेडिंग दी गई होगी न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। दैट मीन्स कि जो कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उन कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन पेज। अब ये जो रजिस्ट्रेशन पेज है, इसमें कुछ डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे, जैसे नीट पीजी रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। सो ये जो पांच डिटेल्स है, देयर आर फाइव डिटेल्स व्हिच यू हैव टू फिल इन द रजिस्ट्रेशन पेज। और ये सारी की सारी डिटेल्स, ऑल द फाइव फील्ड्स व्हिच हैज बीन आस्क्ड ओवर हियर इन दिस पेज, ये आपके आपको आपकी जो एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड में ये सारी डिटेल्स आपकी दी गई होंगी। सो जो भी डिटेल्स जिस प्रकार भी एडमिट कार्ड में दी गई है, उसे एज इट इज आपको इसमें मेंशन करनी है। किसी भी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोई किसी और प्रकार की मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो जब आप ये सारी की सारी डिटेल्स, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करने बैठो, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने बैठो, तो आपके पास आपकी एडमिट कार्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी में ये सारी डिटेल्स रहेंगी और उसी से आपको देख करके ये सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। किसी भी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई दूसरे तरीके की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब आप ये पांचों जो फील्ड है वो फिलअप कर लोगे, तो एक बार ये आपसे पूछेगी कि जो कैप्चा है, सिक्योरिटी पिन है, उसे यहाँ पर पेस्ट करना है। तो ये जो कैप्चा अभी आपको यहाँ पे शो कर रहा है, दैट इज सिक्योरिटी पिन A7D423, आपके स्क्रीन पर जो भी सिक्योरिटी पिन शो कर रही है, उसे एज इट इज आपको सिक्योरिटी पिन एज शोन बिलो के सेंसिटिव वाले फील्ड पर फिल करनी है। और ये केस सेंसिटिव है, दैट मींस कि जो अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स में है, उन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखनी है, और जो स्मॉल लेटर्स में है, उन्हें स्मॉल लेटर्स में लिखनी है। सो केस सेंसिटिव है, और साथ में अल्फा न्यूमरिक फॉर्मेट में है, तो ऑब्वियसली अल्फा न्यूमरिक को आप फॉर्मेट में ही आपको एज इट इज जो है उसे केस सिक्योरिटी पिन में फिलअप करनी है। उसके बाद आपको, जब आप ये सारे जो सिक्योरिटी पिन फील्ड है उसे आप फिलअप कर लोगे, तो फिर आपको सबमिट बटन, नीचे दो बटन आपको दिख रही है, एक रीसेट और एक सबमिट। तो इस सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है, सो दैट यू विल बी फॉरवर्डेड टू नेक्स्ट पेज, आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर के जाएगी। सी यहाँ पे जो डिटेल्स है वो लिखी गई है कि ऑल डिटेल्स शुड बी मैच्ड विद एडमिट कार्ड। दैट मींस कि जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर रहे हो इस पेज में, वो सारी एज इट इज मैच होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जब आप फॉर्म फिलअप करने बैठोगे, तो एडमिट कार्ड को लेकर के बैठना है, सो दैट किसी भी प्रकार की गलती ना हो। जैसे ही आप सबमिट करोगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की नेक्स्ट पेज ओपन होगी, जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन जो आपने की, उससे आपकी जो है ये फील्ड्स, वो फील्ड्स ले ली जाएगी। आपने रजिस्ट्रेशन किया, तब आपने रोल नंबर डाला, एप्लीकेशन नंबर डाला, कैंडिडेट नेम डाला, ये जो फील्ड्स है वो ऑटोमेटिकली आपकी फिलअप होके आएगी, और जो फील्ड्स नहीं आएगी वो आपको फिलअप करनी है। सो ये फील्ड्स तो आपकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पार्ट जो आपने कंप्लीट किया, उसी से ये ऑटोमेटिकली ले ली जाएगी।
अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो आपको करेक्ट, जो भी ईमेल आईडी है वो उसको एज इट इज करेक्ट जो ईमेल आईडी है वो आपको फिल करनी है और प्रोसीड करना है। उसके बाद चूज योर पासवर्ड। अब यहाँ पे आकर के आपको अपनी पासवर्ड बनानी है। पासवर्ड बनाने के बाद कंफर्म पासवर्ड जो फील्ड दी गई है वहां पे जो आपने पासवर्ड बनाया है वो उस पासवर्ड को पेस्ट करना है, सो दैट जो पासवर्ड आप बना रहे हो यू आप उस पासवर्ड को कंफर्म कर रहे हो। और फिर नीचे सिक्योरिटी पिन जो दी गई है ये E8H156, इसको आपको सिक्योरिटी पिन के सेंसिटिव वाले फील्ड में डालना है। यहाँ पे जाकर के आपकी जो है पासवर्ड क्रिएट होगी। सी इसके नीचे एक लाइन लिख करके आ रही है रेड कलर में, वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, राइट। तो ये क्या है कि आपको आपके ईमेल आईडी या फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन की लिंक जाएगी, उस लिंक पे जाकर के आपको क्लिक करना है जिससे कि आप अपने एंड से उसे वेरीफाई कर रहे हो, जो आपने पासवर्ड बनाया या फिर जो आपने जो भी पासवर्ड बनाया उसे आप वेरीफाई कर रहे हो। एक बार जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सब क्लिक एंड सबमिट करनी है। जैसे ही आपको क्लिक जब जैसे ही आप क्लिक एंड सबमिट करोगे नेक्स्ट पेज पे आपको नेविगेट किया जाएगा। ये पेज जैसे ही कंप्लीट हुई वैसे ही आपकी पासवर्ड जो है वो जनरेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट पेज जिसमें हम जा रहे हैं उस पेज में आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर और मेल एंड सबमिट करना है। अब जो आपकी जो मोबाइल नंबर या मेल जो है उसकी वेरिफिकेशन पेज है ये, राइट। उस पेज पर इस पेज पर जाओगे आप, आपसे पूछा जाएगा कि ई में इंटर मोबाइल नंबर वन टाइम पासवर्ड ओटीपी, एक ओटीपी आपके फोन में जाएगी, उस ओटीपी पे ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, या फिर ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। जब ये प्रोसेस आप कंप्लीट करते हो, इस पेज को कंप्लीट करने का मतलब है कि जो आपकी मोबाइल नंबर है और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो उसे वेरीफाई कर रही है कि वो सही पासवर्ड आप बना रहे हो। ओटीपी डालने के बाद सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा। सिक्योरिटी पिन आपको एज इट इज नीचे उस फील्ड के नीचे जो सिक्योरिटी पिन है वो एज इट इज आपको सिक्योरिटी पिन फील्ड में फिल करनी है, सो दैट कि ये जो है पेज कंप्लीट हो सके और वो केस सेंसिटिव रहेगी। ऑब्वियसली हम जान रहे हैं कि जो सिक्योरिटी पिन होती है वो केस सेंसिटिव होती है। एक बार जब आपने सिक्योरिटी पिन डाल दी तो वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट बटन को क्लिक करना है। वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट बटन को आप क्लिक करोगे तो वो फिर आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर के जाएगी, और वो नेक्स्ट पेज जो है वो आपकी यहाँ पे जाकर के आपके रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट हो गई। अब रजिस्ट्रेशन पार्ट जब कंप्लीट हो गई तो एक पेज आपको शो करेगी जिसमें स्टेप्स दिए गए होंगे कि फर्स्ट पार्ट है एप्लीकेशन फॉर्म, देन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देन आई मीन जो स्टेप्स है उसमें फर्स्ट पार्ट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देन एप्लीकेशन फॉर्म, देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, देन सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, देन कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड देन फाइनल सबमिट, राइट। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपकी, इससे पहले जो आपने प्रोसेस स्टेप्स कंप्लीट किए उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाती है। आप राइट साइड में देखोगे तो कंप्लीटेड करके स्टेटस आ जाएगी। अब जो है नेक्स्ट स्टेप वो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो इसी पेज के नीचे में फिल एप्लीकेशन फॉर्म एक लिंक है, एक बटन है, इस लिंक को आपको क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म जो है उस पेज पर वो आपको नेविगेट करेगी। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पेज पे जाओगे जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, कैटेगरी जैसे फील्ड्स आएंगे, जो कुछ फील्ड हो सकता है ऑटोमेटिकली ही आएंगी, जो फील्ड्स ऑटोमेटिकली नहीं आएगी उसे आपको फिलअप करनी है। सब कैटेगरी डिटेल्स आएगी, अगर कैटेगरी में अगर आप जनरल में आते हो तो आपको जनरल डालनी है, या फिर आपको अगर ओबीसी एससी एसटी से आते हो तो आपको वो डालना है। रिलीजन में ऑब्वियसली वी नो हिंदुइज्म, अगर हिंदू से बिलोंग करते हो तो फिर हिंदुइज्म आ जाएगी। तो जो ये डिटेल्स है वो आपको फिलअप करनी है, और सब कैटेगरी डिटेल्स में आपको जैसे आप जनरल से बिलोंग करते हो और आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस डाल देना है सब कैटेगरी डिटेल्स में, सॉरी यहाँ पे आपको पीडब्ल्यूडी स्टेटस डालनी है अपनी। दैट मीन्स कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे पीडब्ल्यूडी स्टेटस डालनी है। यहाँ पे मेंशन की गई है पर्सन विद डिसेबिलिटी, राइट। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आप जनरल में आते हो, यू आर कैंडिडेट हो, जनरल कैंडिडेट हो, और उसमें अगर आपकी सब कैटेगरी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आप जनरल की पीडब्ल्यूडी में आओगे। उसी तरीके से अगर आप ओबीसी एससी एसटी
कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो कैटेगरी में आपको ओबीसी एससी एसटी मेंशन करनी है और पीडब्ल्यूडी स्टेटस आपको यस या नो जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अदर इंफॉर्मेशन में मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड जो भी है वो मेंशन करनी है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस? जी हाँ, अगर आप आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनके लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यस करनी है। अगर आप नो भी कर दोगे तो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बट अगर आपको आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करना ही करना है तो आपको यहाँ पे यस करना ही पड़ेगा। अगर आप आर्म्ड फोर्स मेडिकल के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप नो कर सकते हो, राइट? तो बाय डिफॉल्ट मुझे लगता है कि आप लोग सभी को एटलीस्ट यस कर देना चाहिए, क्योंकि यस करने के बाद आपके पास जो आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शंस होंगे वो भी ओपन रहेंगे, राइट? अब उसके बाद आर्म्ड फोर्स मेडिकल क्राइटेरिया आपसे पूछी जाएगी कि कौन से क्राइटेरिया में आप बिलोंग करते हो, तो वो प्रायोरिटी फाइव जो होती है वो सिविलियन डॉक्टर्स की होती है, तो वो आपको फिलअप करनी है। प्रायोरिटी फाइव में वो सभी स्टूडेंट जिनका AFMS से कोई रिलेशन नहीं है, आर्मी से कोई रिलेशन नहीं है, वो सारे स्टूडेंट पार्ट फाइव में प्रायोरिटी फाइव में आएंगे, उनको प्रायोरिटी फाइव सिलेक्ट करनी है, सेव एंड नेक्स्ट बटन को क्लिक करके प्रोसीड करना है। जैसे आप नेक्स्ट पेज में जाओगे तो जो चीजें हैं उसी तरीके से ये पेज रिपीट हो गई है, राइट? अगर आपको AFMS के लिए अप्लाई करनी है तो जैसा हमने बताया कि आप उसे ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करोगे तो प्रायोरिटी वन आ जाएगी, प्रायोरिटी टू आ जाएगी, प्रायोरिटी थ्री आएगी, प्रायोरिटी फोर आएगी और प्रायोरिटी फाइव आएगी। तो एलिजिबल ऑफिसर्स ऑफ AFMS, अगर AFMS में कोई एलिजिबल ऑफिसर्स हैं तो उनके लिए प्रायोरिटी वन है, बाकी जो सिविलियन डॉक्टर्स हैं वो प्रायोरिटी फाइव में आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी आपको यहाँ पे प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी होती है, सेव एंड नेक्स्ट करनी होती है, राइट? फिर आप नेक्स्ट पेज में जाओगे तो एक कंफर्मेशन पेज आएगी जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा डू यू विश टू सेव, तो यस आपको सेव कर देना है, तो यहाँ पे आपको यस बटन को क्लिक कर देना है। जब आप इसे यस कर दोगे उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पर आपको जाना होगा जिसमें कि MBBS मार्क्स डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें चीजें दी गई है जैसे कि पासिंग स्टेटस क्या है, पासिंग ईयर कौन सी है, एनरोलमेंट नंबर क्या है। तो क्योंकि ये MBBS मार्क्स डिटेल है तो MBBS रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है, जैसे पासिंग स्टेटस तो हाँ ऑब्वियसली पास हो चुके हैं तो यहाँ पे पास हो जाएगी। पासिंग ईयर कौन से ईयर में आप पास आउट हो, कौन से ईयर में आप पास आउट हो, इसमें इंटर्नशिप वाली डेट नहीं आएगी, इंटर्नशिप से पहले जो फाइनल ईयर की ईयर होती है वो ईयर आएगी, जो इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट है वो नहीं आएगी, जो इंटर्नशिप एक साल की रहती है उस एक साल से पहले जो फाइनल MBBS पार्ट फोर जो होती है, फाइनल ईयर जो होती है वो आपने जब पास किया तो वो वाली ईयर आएगी। एनरोलमेंट नंबर, आपको यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर अपनी डालनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है। ड्रॉप डाउन बॉक्स में आप जाओगे यूनिवर्सिटी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसमें मेंशन की गई है तो आपको उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी जहां से आपने MBBS की है वो इसमें मेंशन नहीं की गई है तो सिंपली आपको अदर्स को सिलेक्ट कर देना है, और अगर आपने अदर्स को सिलेक्ट किया है तो आपकी यूनिवर्सिटी जो भी है उसे अदर यूनिवर्सिटी स्लैश कॉलेज वाली फील्ड में मेंशन कर देना है। यहाँ पे जाकर के आपकी MBBS की जो डिटेल्स हैं वो कंप्लीट होगी। पार्ट थ्री, व्यू एडिट क्वालिफिकेशन डिटेल्स, राइट? तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है वो आपकी पार्ट जो है वो कंप्लीट होगी। अब जब उसके बाद आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे, उससे आगे बढ़ेंगे, तो आपसे इंटर्नशिप कंप्लीशन डिटेल्स पूछी जाएगी। अभी इससे पहले जो पेज आपने फिल की उसमें इंटर्नशिप कंप्लीशन डिटेल्स आपको नहीं भरनी थी, उसमें आपकी MBBS रिलेटेड इंफॉर्मेशन भरनी थी, मतलब इंटर्नशिप को छोड़कर। अब जब हम यहाँ पे आएंगे इंटर्नशिप कंप्लीशन डिटेल, तो वहां पे आपसे पूछी जा रही है हैव यू कंप्लीटेड और परस्यूइंग इंटर्नशिप, तो आपको यस कर देना है क्योंकि आपकी इंटर्नशिप अब तक कंप्लीट हो चुकी होगी, सो ऑब्वियसली आपको यस करनी है, राइट? उसी तरीके से इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस पूछी जाएगी कि कौन से इंस्टीट्यूट से आपकी इंटर्नशिप हुई है, सो इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इंटर्नशिप स्टार्टिंग डेट कब से स्टार्ट हुई थी, कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी और कौन से मंथ में स्टार्ट हुई थी, तो आपको इंटर्नशिप स्टार्टिंग डेट लिखनी है और यहाँ पे इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट लिखनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे दो बटन आएंगे, प्रीवियस एंड सेव एंड नेक्स्ट, सो आपको सेव एंड नेक्स्ट करनी है टू सेव द पेज। यहाँ पे जाकर के आपने इंटर्नशिप डिटेल्स जो है वो फिलअप कर दी, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो इट विल कैरी यू इन नेक्स्ट पेज जो आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड होगी कि कौन कौन से
टाइप्स की काउंसलिंग होती है, सो सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग। सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग में आप जानते हो कि जब भी हम एमसीसी की काउंसलिंग करते हैं तो उसमें ऑल इंडिया कोटा आती है, उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज आती है, जो एमसीसी के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है या सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस होती है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस आते हैं जिसके लिए हमने फॉर्म में यस भी किया है, और एनबीईएमएस डीएनबी कोटा आता है। अब ये एनबीईएमएस के अंदर ही आपकी डीएनबी भी आ जाती है और डिप्लोमा भी आ जाती है। तो अगर आपको ऑल इंडिया कोटा को सिलेक्ट करना है, सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई करना है तो आपको ऑल इंडिया कोटा को सिलेक्ट करना रहेगा। सो ये जो है इस तरीके की डिटेल्स आ जाएगी जिसको भी आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के साथ डीएनबी एंड डिप्लोमा के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एनबीईएमएस डीएनबी कोटा को भी सिलेक्ट करना है। अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी अप्लाई करना है तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी सिलेक्ट करना है। अगर आपको आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के लिए भी आपने वहां पे यस किया, आपको अप्लाई करना है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे यस आ जाएगी। सो ये जो भी आपको काउंसलिंग को जिस भी काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है वो काउंसलिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप सारे काउंसलिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ इस बात का ध्यान रखो कि अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करते हो तो आपको 2,05,000 रुपीज लगेंगे, और उसी में आपकी ऑल इंडिया कोटा एनबीईएमएस और आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस जो है वो भी कवर हो जाएगी। और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट नहीं करते हो तो आपको अलग अलग ऑल इंडिया कोटा सिलेक्ट करनी है, आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज को सिलेक्ट करनी है और एनबीईएमएस को सिलेक्ट करनी है, तो इन तीनों के लिए आपके 26,000 लगेंगे, जिसमें 25,000 आपकी रजिस्ट्रेशन चार्ज सॉरी सिक्योरिटी अमाउंट होगी और 1,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस होगी। देखो आप यहाँ पे मेंशन भी की गई है फी डिटेल, यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ 1,000। 1,000 मींस कि आपको अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्ट नहीं करते तो आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो लगेंगे वो 1,000 रुपीज की लगेगी। सो ये एक जस्ट जो सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग की पार्ट दी गई है कि आप कौन से काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप लोगों को इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सी काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, और फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो फिर वो नेक्स्ट पेज में जाएंगे। उससे पहले मैं थोड़ी सी और बात मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिलेक्ट ऑल इंडिया कोटा, अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सिलेक्ट ऑल इंडिया कोटा, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सिलेक्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी, अगर डीएनबी प्लस डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सिलेक्ट एनबीईएमएस डीएनबी कोटा, अगर गवर्नमेंट प्लस डीएनबी प्लस डीम्ड तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ऑल सिलेक्ट ऑल, मतलब सभी को सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने के बाद अब बात आती है कि जब आप पेमेंट मोड में जाओगे तो आपको चार्जेस कितने लगेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप गवर्नमेंट के साथ डीएनबी भी अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 5,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे जो नॉन रिफंडेबल होगी, और 2,00,000 रुपीज का सिक्योरिटी अमाउंट लगेगी जो रिफंडेबल होती है। सो एट लास्ट आपको 2,05,000 रुपीज की टोटल अमाउंट लगेगी इफ यू वांटेड टू अप्लाई बोथ फॉर डीम्ड एंड ऑल इंडिया कोटा। अगर आप सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के लिए गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सिर्फ आपको 1,000 रुपीज लगेगी रजिस्ट्रेशन अमाउंट, और 25,000 लगेगी आपकी सिक्योरिटी अमाउंट, तो टोटल 26,000 लगेगी। अगर ऑल इंडिया कोटा के साथ आप डीएनबी भी अप्लाई करना चाहते हो तो भी आपके 26,000 ही लगेगी। जब तक आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को इंक्लूड नहीं करते हो तब तक आपके 26,000 लगेगी, जैसे ही आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को इंक्लूड करते हो वैसे ही आपके जो चार्जेस हैं वो बढ़कर 2,05,000 हो जाएगी। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दी गई है कि इस केस में हमने ऑल इंडिया कोटा अप्लाई किया, मतलब उसको सिलेक्ट किया कि मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट की सीटें आती है तो हम गवर्नमेंट की सीटों को सिलेक्ट किया, हमने ऑल इंडिया कोटा को सिलेक्ट किया और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट कर लिया। मतलब हम जो एमसीसी के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो एमसीसी के डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे केएमसी मणिपाल मैंगलोर श्री रामाचंद्र ये कॉलेजेस हैं, उनके लिए भी अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करेंगे। और इस केस में यहाँ पे फी डिटेल्स के नीचे मेंशन की गई है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ 2,05,000 रुपीज, राइट। तो जैसे ही आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज को इंक्लूड करते हो वैसे ही आपकी जो अमाउंट होती है रजिस्ट्रेशन चार्जेस वो 2,05,000 रुपीज बढ़कर हो जाती है। और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट नहीं करते हो तो 26,000 रुपीज जनरल कैटेगरी के लिए लगते हैं, और बाकी जो ओबीसी एससी एसटी हैं उनके लिए 10,500 रुपीज लगेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करनी है। जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट किया, जो भी काउंसलिंग आपको सिलेक्ट करनी है आपने सिलेक्ट किया और सेव एंड नेक्स्ट किया, सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो फिर आप नेक्स्ट पेज में
आपको नेविगेट की जाएगी, जिसमें कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दी जाएगी। सो अब यहाँ पे आपको कोरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल करनी है। कोरेस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब आप जहाँ पे अभी फिलहाल रह रहे हो वो आपको एड्रेस फिल करनी है, और परमानेंट एड्रेस मतलब आपकी परमानेंट एड्रेस जो है जहाँ आप बेसिकली हमेशा रहते आए हो वो परमानेंट एड्रेस आपको मेंशन करनी है। अगर आपकी परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो कर देना है परमानेंट एड्रेस में। सेव एंड नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। इस पेज में आपकी एड्रेस की डिटेल्स आपसे ले ली गई है। हालांकि बहुत ज्यादा यूज इस पेज का नहीं होता है, बट स्टिल ये पेज जो है वो आपको फिलअप करनी है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम आएंगे। जब हम कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई तो फिर नेक्स्ट पेज में हम आएंगे जिसमें कि प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट होगी। अब यहाँ पे जाकर के आपकी सारी प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, एक दो स्टेप ही बची हुई है। तो एक प्रीव्यू पेज आएगी, इसके बाद जो पेज आएगी जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे वैसे ही आपके पास प्रीव्यू पेज आएगी, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। प्रीव्यू पेज को आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि इसमें जो डिटेल्स दी गई है, जो आपने भरा है डिटेल्स अभी तक फॉर्म में, वो सारी डिटेल्स आपकी इस पेज में अवेलेबल रहेगी। आपको उसको अच्छे से रीड करना है और ये चेक करना है कि कहीं किसी तरीके की कोई मिस्टेक, कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर कोई गलती हुई है तो आपको वापस जाकर के उसको करेक्ट करना है। अगर इस पेज में कोई गलती नहीं हुई, आपने सारी इंफॉर्मेशन अपनी केयरफुली रीड आउट कर ली और किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है, तब जाकर के आपको फाइनल सबमिट करनी है। राइट, ये रैंक डिटेल्स वगैरह सारी चीजें आपको देख लेनी है, सब कैटेगरी लिस्ट वगैरह सारी चीजें आपको देख लेनी है और फाइनल सबमिट करनी है। जब आप फाइनल सबमिट करोगे तो फिर ये सारी चीजें डिटेल्स आपको अच्छे से देख लेनी है। सब कैटेगरी लिस्ट में पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर PWD कैंडिडेट है तो यहाँ पे यस होना चाहिए, अदरवाइज नो होना चाहिए। तो ये जो भी डिटेल्स आपने ऊपर पेजेस में फिलअप की है वो सारी डिटेल्स आपको केयरफुली देख लेनी है कि जो डिटेल्स आपने फिलअप की है वो सही है या नहीं है, और अगर सही है तो फिर आपको आगे चल के फाइनल जो है वो सबमिट करनी है। यहाँ पे आपके एड्रेस की डिटेल्स होंगी, इन डिटेल्स को भी अच्छे से आपको देख लेना है। सो इस तरीके से सारी डिटेल्स आएंगी और नीचे में एक डिक्लेरेशन पार्ट आएगी। सो डिक्लेरेशन पार्ट क्या कहता है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन बाय मी इन दिस फॉर्म आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। Any mistake, misinformation detected at the time of admission or at any stage in future will result in the cancellation of admission. I have read the information bulletin and understood all the procedures. So, यहाँ पे जो चीजें हैं वो सिंपल आप डिक्लेयर कर रहे हो कि जो इंफॉर्मेशन आपने एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिलअप की है वो सारी इंफॉर्मेशन सही है, कोई इल्लीगल इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन बाद में पाई जाती है तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। इस बात से आप सहमत हो, इस वजह से इसे आपको चेक करना है, दैट मीन्स इसे आपको टिक कर देना है, जिससे कि ये चेक बॉक्स है, ये चेक हो जाएगा, राइट मार्क्स आ जाएगी। दैट मीन्स कि आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो करेक्ट भरी है, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे दो बटन होंगे, प्रीवियस एंड सेव एंड फाइनल सबमिट, फाइनल सबमिट बटन को आपको जो है वो क्लिक करनी है। अब एक कंफर्मेशन पेज आएगी, उसके बाद दीज क्रेडेंशियल्स विल बी यूज्ड फॉर सीट अलॉटमेंट, सो काइंडली वेरीफाई ऑल द डिटेल्स केयरफुली बिफोर सबमिशन। Once submitted, these credentials cannot be changed again. So, एक पॉपअप मैसेज आएगी कि आपने इस पे जो आपने इंफॉर्मेशन फिलअप की है उसको अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, चेक कर लिया, कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि एक बार आपने इसको फाइनल सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप इसकी इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए ये पॉपअप मैसेज आई है कि आपने अच्छे से अगर समझ लिया हो, चेक कर लिया हो तो यस को क्लिक करो, अगर आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक हुई है तो नो को क्लिक करो। सो अगर आपने कर ली है तो यस को क्लिक करना है, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, अगर आपको कुछ करेक्ट करना है तो नो बटन को क्लिक करके आपको पीछे जाकर के सारी जो चीजें हैं उसको क्लिक करनी है। सो ये कंफर्मेशन पेज होगी। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पेज में पहुंचेंगे, जिसमें कि आपकी जो है वो ये रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म वो कंप्लीट हो गई, और उसके बाद करंट चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग स्टेटस की पेज आएगी। सो
करंट जो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग स्टेटस है वो हमें पता है कि एमसीसी की फ्रॉम 20th of September से स्टार्ट होने वाली है, इसलिए यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से डिटेल्स आएंगे कि टोटल अवेलेबल चॉइसेस 106 या जो भी है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, ये वेरी करेगी, अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग हो सकती है, क्योंकि यूआर कैटेगरी के लिए अलग नंबर ऑफ चॉइसेस होंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग नंबर ऑफ चॉइसेस होंगे, एससी एसटी ओबीसी के लिए अलग अलग नंबर ऑफ चॉइसेस होंगे, राइट। तो ये आपकी चॉइस फिलिंग की पेज आएगी और इसके बाद जाकर के आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग पेज आने के बाद जब आप नीचे जाओगे तो ये तो चॉइस फिलिंग तो आपकी चलो जब भी स्टार्ट होगी अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो 20 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, तो 20 तारीख से ये पेज एक्टिवेट हो जाएगी और आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। उसके बाद जो है वो आपको पेमेंट करनी होगी। अभी तक हमने देखा था कि पेमेंट हमें कितनी कितनी करनी है, अगर हम डीम्ड को इंक्लूड करते हैं तो 2,05,000 की पेमेंट करनी है, अगर हम डीम्ड को इंक्लूड नहीं करते हैं तो हमें 26,000 की पेमेंट करनी है फॉर गवर्नमेंट एंड डीएनबी डिप्लोमा फॉर यूआर कैटेगरी एंड फॉर फॉर ओबीसी एससी एसटी हमें 10,500 की पेमेंट करनी है अगर हम डीम्ड को इंक्लूड नहीं करते हैं तो, और अगर हम डीम्ड को इंक्लूड करते हैं तो हम किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं चाहे हम एससी हो एसटी हो ओबीसी हो हमें 2,05,000 की पेमेंट करनी है। सो पेमेंट पेज पे जाना है। जब आप पेमेंट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो आप दी गई है ये फी पेमेंट की जो है रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करनी है। सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट, सो ऑनलाइन पेमेंट पे आप सिलेक्ट करोगे और उसके नीचे कैंडिडेट की कंसेंट दी गई है, दैट मींस कि आई हैव रेड द एफएक्यू एंड अंडरस्टैंड द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ मेडिकल काउंसलिंग कमिटी, आई कंफर्म दैट नॉट इनिशिएट चार्ज बैक क्लेम अगेंस्ट द फीस पेड बाय मी टू पार्टिसिपेट इन द मेडिकल काउंसलिंग एकेडमिक ईयर। सो हम जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमारे नॉन रिफंडेबल होती है और जो सिक्योरिटी चार्जेस होती है वो रिफंडेबल होती है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो हमारी कितनी होगी, या तो 1,000 होगी या तो 5,000 होगी, 1,000 गवर्नमेंट के केस में, 5,000 डीम्ड के केस में। तो ये जो 1,000 नॉन रिफंडेबल फीस है इसके लिए कैंडिडेट की कंसेंट मांगी जा रही है कि आप किसी भी प्रकार की क्लेम नहीं कर सकते हो कि अगर हमें सीट नहीं मिली तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस वापस किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन चार्जेस मतलब जो 1,000 रुपीज नॉन रिफंडेबल फीस है वो आपको वापस नहीं किए जाएंगे, इसके लिए कंसेंट मांगी जा रही है। सो आपको यहाँ पे आई अग्री को क्लिक करना है और प्रोसीड करना है। एक बार आप प्रोसीड करोगे तो फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जिसमें कि पेमेंट मोड रहेगी। अब उसमें जाकर के फी अमाउंट 2,05,000 रुपीज यहाँ पे मेंशन होके आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमने इसमें जो सिलेक्ट किया था वो ऑल इंडिया के साथ डीम्ड भी सिलेक्ट किया था, इसलिए 2,05,000 की है। यहाँ पे ये दिखा दें कि 2,05,000 की पेमेंट करनी है, राइट। उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो हम फी एक पेमेंट के लिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन फीस, राइट। सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर, अब ये दोनों जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पेमेंट गेटवे एंड HDFC बैंक पेमेंट गेटवे, ये दोनों गेटवे हैं। आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड हो, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, किसी भी बैंक में आपका ब्रांच हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये गेटवे है। आपको इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करनी है और प्रोसीड फॉर पेमेंट करनी है। इससे कोई मतलब नहीं है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यहाँ पे अगर लिखी हुए तो आपके पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ही होना चाहिए अकाउंट, या फिर HDFC बैंक लिखी हुई है तो HDFC बैंक का ही होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ गेटवे है, ये दोनों गेटवे के थ्रू पेमेंट होगी। आपके पास कोई भी अकाउंट है आप इन दोनों गेटवे से पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी एक गेटवे को आपको सिलेक्ट करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट को क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट को क्लिक करेंगे उसके बाद आप जो है पेमेंट डिटेल्स के लिए पूछा जाएगा, वहां पे आप अपनी डिटेल्स डालोगे और पेमेंट सेक्शन को कंप्लीट करोगे। उसको कंप्लीट जैसे ही आप करोगे वैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो यहाँ पे जाकर के आपकी जो है रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट हो गई। अब आपको वेट करना है, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। जिस भी दिन से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी उस दिन आपको लॉग इन करना है और चॉइस फिलिंग पार्ट में जाकर के कॉलेज के चॉइसेस को फिल करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म। अगर कोई डाउट आती है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप करियर मीडिया से पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हो क्योंकि अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है या हो रही है या हो चुकी है, आप कुछ भी कह सकते हो, तो अब जो है वो आपको कहाँ कहाँ पे सीट मिल सकती है, कितनी फीस में मिल सकती है, आपको कौन कौन से ब्रांचेस
किस फीस में मिल सकती है, कौन कौन से स्टेट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकती है, उनके डिपार्टमेंट कैसी है, उनमें ओपीडी आईपीडी कैसी है, इस तरीके की सारी डिटेल्स आप करियर मीडिया की पेड मेंबरशिप अवेल करके ये सारी डिटेल्स ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।